हेलो फ्रेंड्स, अक्सर हमें बोला जाता है कि कैल्शियम की कमी अगर है या हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं तो दूध ज़्यादा पियो, इससे आपको फ़ायदा होगा और हड्डियाँ मजबूत होंगी। पर क्या इसमें सच्चाई है और क्या एक्चुअल में दूध बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कैल्शियम सप्लीमेंटेशन देने के लिए, और क्या लॉन्ग टर्म में इसमें बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल है जो सजेस्ट करता है कि दूध बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है प्रोटीन के अलावा कैल्शियम भी देने के लिए, और क्या ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स को कैल्शियम के लिए दूध पर रिलाई करना चाहिए, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। इस पर क्या क्या ट्रायल्स अवेलेबल है और कौन कौन सा आज तक डेटा पब्लिश हुआ है उस पर भी डिस्कस करेंगे, पर आज मिल्क पर एक ओवरव्यू करेंगे एज अ सोर्स ऑफ कैल्शियम। टॉपिक पर जाने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। दूध कैल्शियम का काफ़ी अच्छा सोर्स है। लगभग एक कप काऊ के मिल्क में लगभग 300 मिलीग्राम कैल्शियम रहता है, और कन्वीनियंस के हिसाब से और टेस्ट के हिसाब से कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। जो लोग कैल्शियम की टैबलेट्स वगैरह नहीं लेना चाहते उनके लिए एक अच्छा सोर्स है। ऑब्वियसली अगर किसी को कैल्शियम की टैबलेट लेने में दिक्कत नहीं है तो अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में भी अगर आपको कैल्शियम की ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं। दूध में लगभग एक कप में 300 मिलीग्राम कैल्शियम रहता है। इस कैल्शियम की बायोअवेलेबिलिटी भी काफ़ी ठीक है, अगर आप इसको रेगुलर बेस पर लेते हो तो इसका पाचन भी अच्छा होता है, और बाकी किसी प्लांट बेस्ड सोर्स से अगर हम कैल्शियम लेते हैं तो उसके कंपैरिजन में इसका अब्जॉर्प्शन थोड़ा बेटर है, तो इस हिसाब से हम दूध को एक अच्छा सोर्स मान सकते हैं कैल्शियम का। इसके अलावा दूध हमको काफ़ी मात्रा में विटामिन डी भी देता है, प्रोटीन्स भी देता है, ये दोनों ही एक साथ काम करते हैं जिसकी वजह से हड्डियों को मजबूत करने में मदद मिलती है। यूजली हड्डियों की ताकत बढ़ाने के लिए सिर्फ कैल्शियम उतना उपयोगी नहीं होता जितना कैल्शियम के साथ अगर विटामिन डी भी जाए और प्रोटीन भी जाए, क्योंकि अगर कैल्शियम का शरीर में पाचन होना है तो उसके लिए विटामिन डी का भी शरीर में होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ स्टडीज़ ने भी इसको शो किया है कि दूध में कैल्शियम जो रहता है वो हड्डियों को मजबूत करने में कुछ हद तक मदद करता है, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म डेटा अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट दूध को लेने से हड्डियाँ बहुत मजबूत होती हैं या फ्रैक्चर्स होने के जो चांस कम होते हैं, इस पर जो भी स्टडीज़ हुई है ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई है ये साबित करने में कि लंबे समय तक दूध को लेने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है लोगों को, और इससे वाकई में फ्रैक्चर्स होने की चांस या हड्डियों के टूटने की चांस या ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड हड्डियों में डैमेज होने का चांस, हड्डियों के वीक होने का चांस, ये सारी ही चीज़ें बहुत कम हो जाती है दूध पीने से या डेयरी प्रोडक्ट से, ऐसा किसी भी स्टडी में पूरी तरह से प्रूव नहीं हो पाया है। ज़्यादातर इसमें जो भी एविडेंस है वो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है। एक सेपरेट वीडियो में उस एस्पेक्ट को भी डिस्कस करेंगे कि ये क्या फ्रैक्चर्स के चांसेस को कम करने में या हड्डियों को मजबूत एक्चुअल में करने के लिए जो डेटा अवेलेबल है उसमें कितना दम है और वो हमें क्या साबित करता है। लेकिन इतना मान लीजिए कि इसमें डेटा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जो ये सजेस्ट करता है कि हर व्यक्ति को दूध पीना ही चाहिए, और अगर प्रेगनेंसी है या उम्र ज़्यादा है या पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल जिनकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है उनको दूध से ये फ़ायदा मिलेगा और उनकी कैल्शियम की सारी कमी पूरी हो जाएगी, थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल डेटा है। इसलिए इसमें हम मान सकते हैं कि ये अच्छा सोर्स है उन लोगों के लिए जो कैल्शियम टैबलेट्स नहीं लेना चाहते, लेकिन यदि हम सिर्फ बात करें सप्लीमेंटेशन की और इससे अगर हम यही बात करें कि दूध पीने से फ्रैक्चर का चांस कम हो जाएगा कि दूध पीने से हड्डियाँ एक्चुअल में मजबूत हो जाएंगी, तो ये डेटा इतना श्योर शॉट नहीं है, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है और इसके बारे में काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग डेटा है। कुछ स्टडीज शो करती है कि फ़ायदा है, कुछ शो करती है कि नहीं है, तो इसलिए अगर आप इसको लेना चाहे तो ले सकते हैं, पर लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव है और इससे एक्चुअल में हो ही जाएगा बियॉन्ड डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सोचना गलत है। थोड़ा बहुत इसमें फ़ायदा हो सकता है, बशर्ते एक और चीज़ इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडियन सिनेरियो में कि ये दूध प्योर है कि नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ अडल्ट्रेटेड मिल्क बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। काफ़ी स्टडीज़ में ऐसा भी शो करते हैं कि 50-70% बिकने वाला मार्केट में दूध अडल्ट्रेटेड होता है, या तो उसमें पानी मिलाया जाता है या तो वो दूध ही नहीं होता, उसमें यूरिया या इस तरह के केमिकल्स मिला के दूध बनाया जाता है। तो ऑब्वियसली अगर इस तरह का दूध आप पिएंगे तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा, हाँ प्रॉब्लम्स होने का चांस, कैंसर होने का चांस, हड्डियों के एक्चुअल में कमज़ोर होने का चांस, बहुत तरह की बीमारियाँ होने का चांस बढ़ जाएगा। तो अगर आप एक्चुअल में दूध पी रहे हैं जो कि दूध ही है तो इसमें चांसेस है कि थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन अगर आप दूध पी रहे हैं जो कि एडल्ट्रेटेड है या वो दूध ही नहीं है, वो सिंथेटिक दूध है, तो फिर तो भगवान ही मालिक है फिर उसके बाद क्या होने वाला है, क्योंकि उसमें तो फ़ायदा के बदले सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा और अलग अलग तरह के कैंसर और प्रॉब्लम्स होने का चांस कई गुना बढ़ जाएगा। इसके अलावा दूध के साथ एक और बड़ा इशू है कि कुछ लोगों को, खासकर उम्र दराज लोगों को जिनको हम कैल्शियम बढ़ाने के लिए इसे देते हैं, उसमें कई बार लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। दूध में मेन जो शुगर का सोर्स रहता है वो लैक्टोज रहता है,
कई लोग को ये सूट ना हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि लैक्टोज जो है पचाने के लिए जो बॉडी में एंजाइम्स वगैरह लगते हैं वो उम्र के साथ कई बार कम हो जाते हैं, तो कई लोग इसका पाचन नहीं कर पाते हैं, और जब वो लैक्टोज ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो उनको अपच हो जाता है, इंडाइजेशन होता है, एसिडिक गैस हो जाती है, ब्लोटिंग हो जाता है, काफ़ी पेट ख़राब उनका होने लगता है दूध लेने से। तो कई लोग को इसका पाचन ना हो, ऐसा हो सकता है। कंपेरेटिवली दही इसमें पचाने में लोगों को ज़्यादा ईजी रहता है, क्योंकि दही में जो वो लैक्टोज है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, बैक्टीरिया जो है दही के अंदर वो उसको ब्रेक कर देते हैं, तो इसलिए उसको पचाना ज़्यादा आसान हो जाता है। डायरेक्ट दूध अगर हम लेते तो कई लोग को सूट ना हो, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा दूध में आपको मिलता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कैलोरीज, खासकर अगर आप फुल फैट मिल्क ले रहे हो तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज भी साथ में मिलती है, और ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है। दूध की मलाई वाले पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा फैट और कोलेस्ट्रॉल होता है। तो दूध को एज अ कैल्शियम सोर्स अगर हम लेते हैं तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि साथ में कैलोरी भी जाएगी। कैल्शियम की टैबलेट्स में ये फ़ायदा है कि वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम है, उसमें कोई फैट्स या प्रोटीन्स या उसमें कोई बाकी तत्व नहीं है, तो आपको जो चीज़ रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतनी मिलेगी। अगर आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तो दूध से फ़ायदा होगा, लेकिन नहीं है तो कोई मतलब नहीं है आपको उससे। अगर आपको मान लीजिए फैट की कमी है, एनर्जी सोर्स चाहिए, तो डेफिनेटली दूध बेटर है। नहीं चाहिए तो नुकसान है, क्योंकि आप अगर 1000 मिलीग्राम अगर आपको कैल्शियम चाहिए दिन भर में, तो उसके लिए आपको 3-3.5 ग्लास दूध पीना पड़ेगा, क्योंकि एक ग्लास में लगभग 300 मिलीग्राम कैल्शियम है, तो उसमें आपको लगभग 3-3.5 ग्लास पीना पड़ेगा, जिसमें लगभग 400-450 कैलोरी जैसी हो जाएगी। तो कैलोरी के टर्म्स में और कोलेस्ट्रॉल के टर्म्स में कई बार वो नुकसानदायक हो सकता है। अगर आपको कैलोरी उतना नहीं चाहिए और अगर आप अंडरवेट नहीं हो तो कई बार आप कैल्शियम टैबलेट्स को इस मामले में प्रेफर कर सकते हो, और अगर मान लीजिए अगर आप अंडरवेट हो तो फिर चलेगा, दूध आप ले सकते हो। इसके अलावा इसमें कई बार लोगों को इसका टेस्ट प्रेफरेंस आता है नहीं आता है, वो भी एक बड़ा इशू रहता है। कई लोगों को क्या है, दूध लेते तो ज़रूर ले, उसका टेस्ट पसंद नहीं आता। कई लोग वेगन होते हैं तो वो दूध से बने प्रोडक्ट्स या डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं, वो खाली सोया मिल्क या आलमंड मिल्क लेते हैं जिसमें उतना कैल्शियम नहीं रहता। तो इस हिसाब से अगर आपको डाइट के हिसाब से वो जमता है उसका टेस्ट, उसके अलावा अगर आपकी बॉडी उसको टॉलरेट करती है, प्लस अगर आपको थोड़ा बहुत जो उसमें साथ में एनर्जी जाता है, कोलेस्ट्रॉल जाता है, थोड़ा बहुत उसमें जो एक्स्ट्रा प्रोटीन जाता है उसकी अगर रिक्वायरमेंट है, आपकी बॉडी उसको टॉलरेट कर रही है, तो आप दूध को एज अ सोर्स ऑफ कैल्शियम पसंद कर सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति की वो रिक्वायरमेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए ये सब चीज़ों को भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर्फ बोल देना कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर है आप दूध ज़्यादा लो, तो वो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्योंकि वो हर व्यक्ति में उतना ही फ़ायदा करेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कई बार नुकसान भी कर सकता है। तो दूध को एज अ कैल्शियम का सोर्स आप ले सकते हो, बशर्ते आपको वो सूट होता है, बशर्ते आपको उसका टेस्ट पसंद है, और बशर्ते आपको उसमें थोड़ा सा कैलोरी जो साथ में जा रहा है वो अगर एक्सेप्टेबल है। लेकिन हाँ, हड्डियों को जहाँ तक मजबूत करने की सवाल है, इसमें दूध का रोल थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है। वो एक्चुअल में आपकी हड्डियों को मजबूत कर भी पाता है या नहीं, इसके बारे में जो भी एविडेंस है वो काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग है। आज के टॉपिक में बस इतना ही, उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। दूध का एज अ सोर्स ऑफ कैल्शियम और हड्डियों को एक्चुअल में कितना मजबूत करता है, उस पर एक और हमने वीडियो किया जिसमें हमने ट्रायल्स पर बात करी, उसे आप जरूर चेकआउट करिए। आज के टॉपिक में उम्मीद करूँगा कि आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। थैंक यू।